आशीष और सरफराज की जोड़ी मैदान में। तीन गेंद और तीन रन। पैर में थोड़ी सी चोट है, थोड़ी दिक्कत है, ऑपरेशन कराया था लिगामेंट का, इस वजह से भागने में थोड़ी सी दिक्कत। और कोशिश करें सीधे बल्ले से बड़ा शॉट खेले, क्योंकि रन लेना इतना आसान नहीं होगा आशीष सिंह के लिए। लेकिन आशीष और सरफराज, मैं चाहता हूं कि सरफराज इस मैच में थोड़ा सा समय दें अपने आप को। ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अभी तक यहां से कुल चार रन बन चुके हैं। पहला ओवर जारी है, अक्षत गेंदबाज काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए, उनके सामने आशीष सिंह। तेतरा शॉट, चार रन आता हुआ। लास्ट ईयर का मुझे याद आ रहा है कि एक शॉट जो बेहतरीन निकला था आशीष के बल्ले से, और सबसे तेज शॉट था वो, बिल्कुल गोली की तरह वो शॉट। लेकिन ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद आठ रन। और कितना फर्क होता है, देखिए हमारे साथ नितिन सिंह हैं यहाँ पे, और कितना फर्क होता है ना कि एक खिलाड़ी जो कि लेदर क्रिकेट से, मुझे लगता है कि कुछ लोग जब बल्ला पकड़ना नहीं सीखे होंगे तब से आशीष सिंह मैच खेल रहे हैं, वो हालत रही है इनकी लेदर क्रिकेट में। और सच में उस समय आईपीएल होता तो ये किसी और ऊंचाई पर होते, क्योंकि अपने तो हम लोगों ने कहानी में सुना है कि जब सचिन बल्लेबाजी करने के लिए गए तो अब्दुल कादिर ने कहा कि इसको क्या मैं गेंद डालूं, ये तो छोटा बच्चा है। लेकिन ऐसी कहानियां हम लोगों के साथ हुई हैं आशीष सिंह के साथ। बहुत बड़े बड़े प्लेयर आते थे पूर्वांचल के खेलने के लिए, और उनके सामने जब ये बॉलिंग करने के लिए जाते थे, सबसे बड़ी खूबी नितिन ये होती थी कि दोनों तरफ इनकी गेंद स्विंग करती थी, अभी भी हवा में, और तेजी बहुत ज़्यादा। लेकिन आज देखिए ये अलग ही प्रारूप है, वहाँ आप कितने बड़े प्लेयर क्यों ना हो लेकिन यहाँ पर भी आपको बड़ा बनना ही है, और उसके लिए आपको परफॉर्म करना ही होगा। फिलहाल सरफराज, जिन्हें सरफा के नाम से जाना जाता है, टीम ओनर टीम कैप्टन, कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी, कवन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। कवल काफी अच्छे बॉलिंग, ये गेंद भी नीचे रहती हुई, अंदर आती हुई गेंद, सरफराज समझ नहीं पा रहे, थोड़ा सीधे बल्ले से खेले। इस बीच फिर गेंद को खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, एक रन मिलता हुआ, ओवर समाप्त हुआ, दो ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद 11। अब राजू इस समय, ये भी टीम के ओनर हैं, टीम के कैप्टन हैं, दो ओवर 11 रन, दो ओवर 11 रन, तो अब तो हर गेंद पे आपको बल्ला चलाना पड़ेगा। चार ओवर में अगर आप चाहते हैं कम से कम 25-30 रन अगर बने, सिंगल लेते हुए आर्मी एवेंजर्स जीता के एक मैच,
ब्लैक मांबा की ये टीम। एक रन मिलता हुआ। अच्छा, ये ब्लैक मांबा की टीम है कि आशीष सिंह की और सरफराज की टीम है? अच्छा, सरफराज की टीम है। आज उसी ब्लैक मांबा की तरह सरपट भागना होगा सरफराज को, एक दो बड़े शॉट तो लगाने ही होंगे। ओ, सिंगल लेने की कोशिश, रूल आउट होकर के वापस जाते हुए, बॉक्स आउट जिसे कहा जाता है सरफराज। लेकिन 15 रन बन चुके हैं, इसके बाद एक ओवर और आना शेष है। राजू काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, कैप्टन टू कैप्टन दोनों कप्तानों के बीच का मुकाबला हुआ तो राजू ने बाजी यहां पर मारी है। और लोग बताते हैं कि राजू की गेंदबाजी का राज उनके बड़े बड़े बाल हैं। ईशांत शर्मा को देख करके बहुत प्रभावित हुए थे ये। 3-2 गो। यस, बाएं हैं शैलेश। आप स्टंप के बाहर की गेंद खेला, एक रन के लिए निकले शैलेश। एक रन लेते हुए एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 14 पे। इस ओवर की 4 गेंद हो गई है, 2 गेंद और बची हुई है तीसरे ओवर की, यानी कि कुल 8 गेंदें इस इनिंग की बची हुई अभी तक। गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई और आखिरी गेंद इस ओवर की, इसके बाद एक ओवर आने शेष। वासी चाहेंगे कि बड़ा शॉट लगाएं इस पे क्योंकि रन कम हुआ है यहां पे। ठीक प्रकार से गेंद बल्ले पे नहीं आई, डॉट गेंद होती हुई ओवर समाप्त तो होता हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 14 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 14 रन। एक बाउंड्री जो बड़ी आई है वो पावर प्ले में आशीष के बल्ले से, उसके बाद सभी सिंगल। सिंगल से काम होने वाला नहीं है क्योंकि आपके पास कम से कम 24 गेंदों में आपके गेंदबाज को कुछ तो गेंदबाजी करने के लिए रहे, यानी कि 25 के ऊपर का स्कोर होना चाहिए, एटलीस्ट 30 होना चाहिए। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, नए बैट्समैन नितिन। न्यू बैट्समैन नितिन नानी शेखर एंड पे आशीष सामना करने के लिए तैयार, आगे निकले खेलने की कोशिश और आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा। नो बॉल, आगे से संभवतः गेंद पकड़ी गई है या क्या है, अंपायर ने क्या नो बॉल दिया है, लाइन का नो बॉल है, वो जो भी नो बॉल है अंपायर ही बताएंगे, अंपायर से डिस्कशन होता हुआ फिलहाल। लेकिन अंपायर की कॉल थी नो बॉल की।
तीन गेंद हुई है, चौथी गेंद फिर एक बार, एक रन और एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 16 पर। दो गेंद और बची हुई है इस इनिंग की, ब्लैक मांबा की इनिंग की। जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता। अठारह रन चाहिए जीत के लिए। नो बॉल, फ्री हिट। नो बॉल, प्री हिट।
आउट। हाँ वन टू गो। स्कोर 11। सात रन और चाहिए जीत के लिए। रन केवल 17 बने हैं, मात्र 18 रनों का लक्ष्य। वाइड एक ओवर और 13 रन। पावर प्ले का ओवर। बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला और रन भी यहां पर एक के बजाय दो मिल जाएंगे। तीन रन मिलता हुआ। एक मिनट अयुब जी, कितने रन बने? तेरह पांच 18 हो गया ना सर, समाप्त हुआ मैच। यस yes।